ननाद ढक्का नव पंच बारम उधर्तुकाम सनकादि सिद्धा ने तिमर्शे शिवसूत्र जालम ये हमने मंगलाचरण किया किसी भी व्यक्ति को अगर संस्कृत और हिंदी के उच्चारण को सीखने की बात अगर आती है सबसे पहले संस्कृत के जो वर्णन हैं वो आने चाहिए शुद्ध फिर वो वर्ण कहाँ से उच्चरित होते हैं इस मुख में कई स्थान है दंत है तालव्य है मूर्धन्य है मूर्धा स्थान स्थान है है ना कई स्थान मुंह में बने हुए हैं तो वो कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चरित हो रहा है इस पर हमको भी विचार करना चाहिए तो ये दोनों बातें अभी गत दिनों जो क्लास हुआ उसमें बताया गया हमारे यहाँ आगम परंपरा में आ, माहेश्व सूत्र में जितने अक्षर हैं इन इनमें जब अनुस्वार लगाते हैं अंग नमः आंग नमः इंग नमः इंग नमः ऊंग नमः ऊंग नमः ये मातृका न्यास होता है मातृका मंत्र बन जाता है समस्त तो समस्त ये जो है ये मातृका मंत्र हैं एक तरह से और इसको देववाणी कहते हैं देवनागरी लिपि है ये तो फिर से आज मैं इसको दो दो बार तीन तीन बार बोलूँगा सभी लोग बोलें है न अ उण अण आ रीलरिक रिल रिल रिक ऐसा क्यों करते हैं ये आपके मन में बात आएगी तो हम कमरे में भी कर सकते थे यहां पे आप क्यों ऐसा बोलवाते हैं होता क्या है कि जो अध्ययन परंपरा है भारतीय अध्ययन परंपरा है उसमें बात आती है कि गुरु मुखोचारणानुच्चारण होना चाहिए गुरु के मुख से उच्चारण हो और विद्यार्थी अपने कान से उसको जो है श्रवण करे और फिर एकदम वैसे ही बोले और गुरु साथ साथ बोले ऐसा नहीं गुरु ने दे दिया हाँ होमवर्क करके आओ हो। ऐसा नहीं सामने करा दिया एक बार फिर बोलते थे पूरा सूत्र आई उड़ आई एक आप ही लोग बोलिए अब मैं नहीं बोलता हूँ आई शार, शार शार हर। हर। आगध। इति माहेश्वराणी माहेश्वराणि माहेश्वराणी इति माहेश्वराणी सूत्राणि ये माहेश्वर सूत्र हुए चौदह तो ये वर्ण का वर्ण का अभ्यास किया वर्ण उच्चारण का अभ्यास किया और जो हमारा महेश्वर सूत्र है महेश्वर सूत्र उसका उसको हमने लर्न किया सीख लिया हमको बोलने आ गया और इसका अभ्यास करके इसको हमेशा रोज़ बोलना चाहिए इसको बोलने का से चीज़ें हमेशा साफ रहती हैं अब आगे हम जो क्लास करने चल रहे हैं इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है मुख में उसके बारे में हम विचार करते हैं तो शुरू करें yes, ये कह क्या रहे हैं अकुह विसर्जनीयाना कंठहा नाम इसका मतलब ये हुआ कि जो अकार है आ, और कु का मतलब होता है कवर्ग क्यों कवर्ग कैसे तो क ख ग ये जो पांच वर्ण है ये पांच वर्ण जो है इसको कवर्ग कहते हैं च छ इसको जो है चवर्ग कहेंगे ठा डा ढाणा इसको तवर्ग कहेंगे उसी तरह से आपने देखा होगा कु चू टू तू, तू पु तो ये कवर्ग चवर्ग कु, कु, तू, 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 पू। तो कु का मतलब हो गया कवर्ग अब प्रश्न है कि सर आपने ये कवर्ग कैसे हो गया तो ये पांच ही क्योंकि ना का खा गा, गा गा तो इसको एक ऐसा समझना है आ ई अ आ, ए, ए, उ। आ, आ ए, ए और उ। तो छोटा उ किस स्थान पे आ रहा है पांचवें स्थान पे आ रहा है तो छोटा उ यहां लगा करके उसको जो है पांच कवर बना लिया तो अनेजन अच्छा स्वर, स्वर, स्वर स्वर डाल करके ये हाँ नंबर हा, दे दिया कि बस यहां तक तो ही आपको आगे जाना है उसे आगे नहीं हाँ इसको मान लीजिए हम कहते हैं क्री तो चला जाता कहा चला जाता है ये तो फिर चला जाता ये अ आ, आ ए अरे का खा गा गा जे क्या है अ आ ई उ उ आतवे पे जाता अगर क ख ग घ ङ च छ पे चला जाता फिर तो अशुद्ध उसको बताना उचित वो नहीं है अभिष्ट नहीं है अभिष्ट उनको बताना है कि कवर्ग बताना अभिष्ट है इसलिए यहाँ पे छोटा ऊ लगा दिया ठीक है ना ये बात समझना है तो ये कवर्ग कवर्ग में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं कोई एक कोई बतावे बस अब चवर्ग में कौन सा आया श्रुति आप ये पूछ सकते हैं कि यहां पे तो छोटा लगाया यहां पे तो बड़ा लगा दिया ये पूछ सकते हैं तो इसलिए यहां बड़ा लगा दिया क्योंकि यह है उपू और उपू उपधमानी आनाम है ना अब आगे चलते हैं क ये बोलने पर लग रहा है कि कंठ से आवाज आ रही एकदम ये कितना विज्ञान है है ना ये कैसा विज्ञान है ऋषियों रिश, का विज्ञान कैसा विज्ञान है तो ये हो गया हा, 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 ये बोल करके देखना चाहिए या अनुभव करना चाहिए कि वास्तव में है ना तो अनुभव में बात आ रही है कि कंठ से ही निकल रहा है अब आगे विसर्ग कंठ कंठ तो ह जो ये है ना विसर्ग भी वैसा निकलता है तो ये बात ये साफ हो रही है कि ये अकुह विसर्जनीयाना कंठ कंठ ये इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है ये बात साफ हो गई ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके इसका अण रिल इसका अभ्यास करना और जो भी आपने पढ़ा है जो भी आपने श्लोक जो भी लर्न किया है उसको आवृत्ति करना ये क्रम बनना चाहिए जब ये बनेगा तो अपने आप बातें क्लियर होंगी साफ होंगी आज यहीं पर हम इसको इस क्लास को रोकते हैं और फिर हम कल बात करेंगे हमारे पीछे सभी भी बोलेंगे यनमें श्रुतम यन अधीतम अधी तन्मे मनसी, तन मनसी तिष्ठतु स्वाहा तिस्थतु, 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 स्वाहा अब हम लोग कल मिलेंगे